Hello everyone, I am Rashmi Prabha and welcome to our channel Combine CS The Extra Step. In this video, I am going to discuss about the 45 days study plan for the aspirants, those who are going to write their NTA UGC NET December 2023 examination. This video is again very helpful for all the serious aspirants, those who have set the target to qualify this December 2023 examination, or else those who are doing the preparation for the June 2024, this video are important for those aspirants also, because agar aap is tarike se apna ek timetable set karenge, then you can definitely going to crack in June 2024 examination, or else for any set examination, this is the master plan to make your study plan, execute it and get qualified in all type of competitive examination. Now let's get started. So, this is the 45 days study plan जिसमें मैंने include किया है, date 1 is 16th of October 2023. जब आप इस plan को देखेंगे, 16 October से 45 days अगर आप count करेंगे, then that is almost 29 November 2023. तो हमें ऐसा लगता है कि हमारे पास बहुत ज़्यादा time है, but December के examination के लिए आपके पास बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा time नहीं है, क्योंकि आपका जो एग्जामिनेशन है ऑलरेडी ट्विटर पे और ऑफिशियल वेबसाइट पे भी आ चुका है कि 6 दिसंबर से आपकी एग्जामिनेशन स्टार्ट हो जाएगी. तो जो भी एस्पिरेंट्स है, अगर उनका कंप्यूटर साइंस है, कॉमर्स है, मैनेजमेंट है, तो रिस्पेक्टिव डेट का आपका जब एडमिट कार्ड आएगा तो पता चलेगा, बट एग्जामिनेशन 6 दिसंबर से शुरू हो जाएगी. तो 6 दिसंबर से पहले आपका अगर जो भी सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट का आपके पास एक मास्टर प्लान तैयार होना चाहिए, जिसमें अगर आप काउंट करेंगे तो हर यूनिट के लिए आपको 4.5 डेज मिलता है, दैट इज यूनिट 10. ये मैंने सिर्फ पेपर 2 का एनालिसिस किया, पेपर 2. सो पेपर 2 इज कॉमन फॉर एवरी स्टूडेंट. अगर आपका हिंदी, कॉमर्स, मैनेजमेंट है तो सभी के पेपर 2 में 10 यूनिट है, तो एक यूनिट को पढ़ने के लिए आपके पास 4.5 डेज है. ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये जो मास्टर प्लान है, ये कंप्यूटर साइंस का मैंने बनाया है, तो मैंने यूनिट वाइज यहाँ पे ब्रेकअप किया है कि किस यूनिट का कौन सा टॉपिक आपको बिल्कुल भी एग्जाम में छोड़कर नहीं जाना है. बिकॉज अगर मैं इन शॉर्ट बोलूँ तो आपके यहाँ से 60 to 70 क्वेश्चंस बनने ही बनने हैं, हर बार के पेपर का ये पैटर्न है. तो बात कर ले यूनिट 1 की, तो यूनिट 1 में सेट थ्योरी, रिलेशन, ग्राफ थ्योरी, बूलियन अलजेब्रा, के मैप, ऑप्टिमाइजेशन, ये 4 टॉपिक मैंने इंपॉर्टेंट यहाँ पे रखा. और एक दिन, पूरा एक दिन आप देंगे रिविजन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगाने से आपको यहाँ पे जो प्रेडिकेट लॉजिक का टॉपिक है वो, साथ में जो आपके ग्रुप थ्योरी का क्वेश्चन है वो भी आपका सॉल्व होता है. उसके बाद हम बात कर लेंगे यूनिट 2 का, तो यूनिट 2 में सिमिलरली मेमोरी, हायरार्की, पाइपलाइन, सीपीयू, एड्रेसिंग मोड, ये 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक है. फिर एक दिन आप प्रॉपर रिविजन को देंगे. रिविजन में आप यहाँ पे तैयार करेंगे डिजिटल एंड योर नंबर सिस्टम कन्वर्जन, बिकॉज इससे भी पेपर 1 में तो ऑलमोस्ट लास्ट ईयर पेपर 1 में बहुत सारा क्वेश्चन पूछा है और इक्वल वेटेज है, तो ये आपको करना है. यूनिट 3 की अगर हम बात करें तो आप एक दिन पूरा टाइम देंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट पे, C++ है, सी है, रिवाइज कर लेंगे सारे टॉपिक को, क्योंकि आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन अगर आपका बेसिक कंप्लीट है देन ओनली यू कैन सॉल्व द आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन, अदरवाइज बहुत लेंदी क्वेश्चन आता है तो आपको वहाँ पे टाइम लग जाएगा. कंप्यूटर ग्राफिक्स की बात करें, 2D 3D सारे टॉपिक को पढ़ के जाना है, बिकॉज वो आपका बाउंड्री फिल, फ्लड फिल, जितने भी आपके ट्रांसफॉर्मेशन से उनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, प्रोजेक्शन से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हर टॉपिक अपने आप में इंपॉर्टेंट है. और एक दिन आपको सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के सिर्फ यूनिट 3 का करना है. उसके बाद हम DBMS की बात करें तो DBMS में यस, द बेसिक्स आर इम्पॉर्टेंट, देन ERD आपका अपने आप में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रिसेंट ईयर में इसे हर बार क्वेश्चन देखा जा रहा है. फंक्शन डिपेंडेंसी नॉर्मलाइजेशन, अगेन वही सारे टॉपिक मैंने लिखा जिससे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है. ट्रांजेक्शन है, कंकरेंसी कंट्रोल है. इसके बाद SQL हो गया, फिर आपका रिलेशनल अलजेब्रा, कैलकुलस हो गया, इसे भी आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस देखे जा रहे हैं. एंड यस, एडवांस DBMS एंड B+3 और B3. तो B+3 और B+3 में प्रॉपर्टी याद करना है, एक फॉर्मूला है सिर्फ वो याद करना है. लास्ट ईयर के पेपर में आप देखो इससे 3 क्वेश्चन पूछा गया एक सिंगल टॉपिक से. और एडवांस DBMS की बात करें तो नो SQL और बिग डेटा से आपसे रिसेंट में जो भी नेट टेक्नोलॉजीज आ रहे हैं उससे 2 से 3 क्वेश्चंस देखे जा रहे हैं. उसके लिए आप सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उससे थोड़ा सा 1-2 पॉइंट और ऐड करके पढ़ेंगे तो वो टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा. सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर DBMS. और DBMS में देखिए मैंने 1, 2, 3, 4, 5 डेज दिया है, तो इसका वेटेज बहुत हाई है ना.
इसके बाद हम बात करेंगे ओएस का. ओएस में अगेन प्रोसेस मैनेजमेंट, उसका थ्योरी, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, आपके वन पास कंपाइलर क्या होता है, ये सारे क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड हैं. सीपीयू शेड्यूलिंग से हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है. डिस्क शेड्यूलिंग है, मेमोरी मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट है, जहाँ पे पेजिंग है, सेगमेंटेशन है, पेज फॉल्ट है. थ्योरी क्वेश्चन के साथ साथ वहाँ पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी देखे जाते हैं. अगेन डेडलॉक से आपका कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, सीमाफोर है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन है, आपका जो एल्गोरिदम से जिसमें आप बैंकर्स एल्गोरिदम है, इनसे भी क्वेश्चन देखे जाते हैं. तो डेडलॉक अपने आप में इंपॉर्टेंट टॉपिक है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगेन लिनक्स है, लिनक्स से 2 से 3 क्वेश्चन देखे जा रहे हैं जो कि बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आ रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ आईपीसी, दैट इज इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन. करने के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, नहीं है, बस ऊपर ऊपर से क्वेश्चन पूछते हैं, तो इसलिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करना है. देन मूवी टूवर्ड्स सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग. सॉफ्टवेयर इंजीनियर अगेन मॉडल से हर बार क्वेश्चन पूछता है, SRS से हर बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है. सॉफ्टवेयर की फंक्शनल, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्या होता है, रिक्वायरमेंट इलिसिटेशन से आप क्या समझते हैं, रिक्वायरमेंट गैदरिंग से आप क्या समझते हैं, बहुत घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ रहा है. डिजाइन से इजी रिपीटेड क्वेश्चन है, टेस्टिंग से भी आपके रिपीटेड क्वेश्चन है. क्वालिटी और SCM की बात करें, अगेन इसे ट्विस्टेड क्वेश्चन पूछ रहे हैं कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट से या क्वालिटी से. 2 बार मैंने यहाँ पे क्वालिटी इसलिए लिखा है बिकॉज यहाँ से न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं. 2 बार से न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, सो फॉर दिस टाइम यू कैन एक्सपेक्ट. सो प्लीज गो थ्रू द कोकोमो मॉडल क्वेश्चन एंड प्रिपेयर इट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ही जरूरी है हर यूनिट में. इसके बाद डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम की बात करें तो बहुत यूनिक टाइप का क्वेश्चन देखा जा रहा है डेटा स्ट्रक्चर में. बट एक मजेदार बात यह है कि इसके क्वेश्चंस रिपीट होते हैं. सर्चिंग, सॉर्टिंग की कॉम्प्लेक्सिटी, डिजाइन टेक्निक की कॉम्प्लेक्सिटी, दैट इज डायनेमिक प्रोग्रामिंग है, डैक है, इन सबका आपको पता होना चाहिए कॉम्प्लेक्सिटी क्या है. रिकरेंस रिलेशन से बहुत ईजी क्वेश्चन देखा जा रहा है, आपको पता होना चाहिए ओमेगा नोटेशन क्या है, थीटा नोटेशन क्या है. एंड हैशिंग अगेन, ऑलवेज दे आर आस्किंग यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और रिसेंट ईयर्स में AVL ट्री से क्वेश्चन देखे जाते हैं, तो इसको जरूर रिवाइज करके जाइए, बिल्कुल भी ट्री को छोड़ के नहीं जाना है. और ऑलरेडी मैंने बताया B3 B+3 इंपॉर्टेंट है. इसके बाद TOC का अगेन बहुत हाई वेटेज है, क्योंकि TOC में ऑल द टॉपिक्स आर इम्पॉर्टेंट. आपको रेगुलर लैंग्वेज को फाइंड आउट करना आना चाहिए, सब में डिफरेंस फाइंड आउट करना आना चाहिए, ट्यूरिंग मशीन कैसे बनाते हैं वो पता होना चाहिए, डिसाइडिबिलिटी प्रॉपर्टी चार्ट आपको बिल्कुल भी याद होना चाहिए, क्लोजर प्रॉपर्टी याद होना चाहिए. अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे देखेंगे, मैंने बहुत इजी तरीके से इसको समझाया है. अगर आप उस वीडियो को भी देखते हैं देन यू कैन इजिली सॉल्व द क्वेश्चन. और कंपाइलर को मैंने पूरा 1 दिन दिया है. कंपाइलर ऐसा टॉपिक है जिससे बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो अगर आप इसका ऊपर ऊपर ही पढ़ के जाते हैं तो भी आपके यहाँ पे 2 से 3 क्वेश्चन आप इजिली अटेम्प्ट कर सकते हैं. इसके बाद कंप्यूटर नेटवर्क की बात करें, नेटवर्क में बहुत स्टूडेंट्स को डाउट होता है, तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आप बैंडविड्थ जैसा क्वेश्चन जो डेटा कम्युनिकेशन का पार्ट है जिसमें आपने नहीं पढ़ा है, या स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल है, वो क्वेश्चन आपसे नहीं बनते हैं बिकॉज एक्चुअली दे आर आस्किंग द क्वेश्चन विच आर आस्क्ड इन द गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो वो क्वेश्चन नहीं बनता है तो छोड़ दीजिए उसको. आपसे जो बनता है आप वो तैयार कर लीजिए. जैसे OSI मॉडल के हर लेयर से क्वेश्चन पूछते हैं तो हर लेयर का आपको डिफरेंस पता होना चाहिए. सिमिलरली TCP/IP मॉडल और OSI में क्या डिफरेंस है वो है. नेटवर्क सिक्योरिटी अपने आप में 2 से 3 क्वेश्चंस रिपीटेड पूछे जा रहे हैं. क्रिप्टोग्राफी है, इंक्रिप्शन है, डिक्रिप्शन है, आपके कौन सा एल्गोरिदम कितने कीज को यूज करता है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. डिजिटल सिग्नेचर से आप क्या समझते हैं. इसके बाद IP एड्रेसिंग बहुत इजी टॉपिक है, ऑल्दो इट इज टफ अगर आपने इसको नहीं पढ़ा है, बट अगर आप समझ लेते हैं तो IP एड्रेसिंग बहुत इजी है और न्यूमेरिकल इसे 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है, सो इट इज वेरी हाई वेटेज टू सॉल्व द क्वेश्चंस. उसके बाद रिवीजन में ऑब्वियसली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कम से कम 5 तो आपको सॉल्व करना ही है, और उसको 3 बार सॉल्व करना है ताकि अगर आपको नहीं भी समझ में आए तो आप क्वेश्चन को देखकर उसका आंसर तो आपको याद ही हो जाना चाहिए. अगेन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें, दैट इज एन ओपन एंडेड सब्जेक्ट जिसमें अगर वो इजी क्वेश्चन पूछेंगे तो आपसे सर्च टेक्निक पूछ लेंगे, मिनिमम मैक्सिमम अल्फा बीटा नॉलेज रिप्रेजेंटेशन, ये सारे इजी टॉपिक हैं. जो इसमें कुछ नए टॉपिक है जैसे डेटा माइनिंग का पार्ट है, मशीन लर्निंग का पार्ट है, तो इससे वो 2-3 क्वेश्चन पूछते हैं, तो अगर आप इस फील्ड में हैं डेटा साइंस के फील्ड में तो आपके लिए तो बहुत ईजी हो जाएगा. अदरवाइज आपको कुछ बेसिक पता होना चाहिए जैसे सुपरवाइज लर्निंग है, अनसुपरवाइज लर्निंग है, री एनफोर्समेंट लर्निंग है, तो उनके टाइप्स क्या हैं, क्योंकि अब वो क्वेश्चन उस पर नहीं पूछते हैं. जैसे दे कैन आस्क यू द टाइप ऑफ NLP, दे कैन आस्क यू द टाइप्स ऑफ जेनेटिक एल्गोरिदम कि क्या ये जो मेथड है वो जेनेटिक एल्गोरिदम का पार्ट है, तो वैसे क्वेश्चन आपको निकाल के थोड़े से सॉल्व करने पड़ेंगे. एंड फाइनली यू आर सपोज टू रिवाइज. तो ये मास्टर प्लान है
जो अगर आप 16 अक्टूबर से शुरुआत करते हैं तो ये पूरा 30 नवंबर तक चलेगा नॉन स्टॉप। और अगर आपने इतना शिद्दत से पढ़ लिया तो कहीं भी आपका नेक नहीं गया है, आई एम टॉकिंग अबाउट द जनरल कैटेगरी स्टूडेंट। तो अगर आप ओबीसी में हैं या फिर रिजर्व कैटेगरी में है तो डेफिनेटली यू कैन क्रैक द एग्जामिनेशन। बी पॉजिटिव, बी हेल्दी एंड ट्राई टू स्टार्ट मेकिंग योर स्टडी प्लान। And this is your study plan. You can stick to it and you can start doing your preparation at your own level. इसके बाद 1 दिसंबर से लेके जो 5 दिसंबर का टाइम है, क्योंकि 6 दिसंबर से आपका एग्जामिनेशन है, इस बीच में आप एक दिन का चाहे तो गैप ले लीजिए, रेस्ट ले लीजिए और अपने आप को एक ट्रीट दीजिए। यस, नाउ यू आर कॉन्फिडेंट इनफ कि आपने कुछ तो पढ़ा है, क्योंकि जो पढ़ के जाते हैं उन्हें ही थोड़ी डर भी होती है एग्जामिनेशन, अदरवाइज तो बहुत लोग टाइम पास करने एग्जामिनेशन में जाते हैं। तो आप उस केस में मत आइए, उस कंडीशन में मत आइए। एक दिन का रेस्ट करने के बाद आपको क्या करना है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाना है और फुल लेंथ का मॉक टेस्ट सॉल्व करना है। फुल लेंथ का मॉक टेस्ट अभ्यास एक ऐप है जो कि यूजीसी पे ही है, यूजीसी द्वारा दिया गया है, उस पर भी आपको मॉक टेस्ट फुल लेंथ के मिलते हैं। तो आपको मैं कोई भी पेड कोर्स लेने की बात नहीं कर रही हूँ, अभ्यास पे आप जाके चेक कर सकते हैं, वहां पे आप कंप्यूटर साइंस में फुल लेंथ का मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे आपका क्या होगा, जो एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट वाली इशू है वो इशू सॉल्व हो जाएंगे। और इसमें आप क्या करेंगे, जब आप ये टॉपिक्स को पढ़ते हैं और उसमें आपने शॉर्ट नोट्स आपको बनाना है, मैंने यहाँ पे लिखा है कि आप यहाँ पे शॉर्ट नोट्स बनाते चलिए, ये पढ़ा, हाँ एक 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 पॉइंट आपने लिखते चले गए, और इसका प्रिंट निकाल लीजिएगा और यहाँ पे डन मैसेज लिखिएगा। मैं आपको एक गारंटी देती हूँ कि अगर आपने 15 दिन भी इसको फॉलो कर लिया देन यू विल बी कॉन्फिडेंट इनफ, क्योंकि 15 दिन में आपके 4 यूनिट तो कंप्लीट हो जाएंगे। और पढ़ने का तरीका ये है, कई सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, भगवान ने सबको 24 घंटे दिया है, 24 घंटे में 4 घंटे निकालिए 2 महीना, उस 4 घंटे में सेल्फ स्टडी करिए, 1 घंटा निकालिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली बेसिस पे सॉल्व करने का, और संडे जिस दिन सब लोग आराम करते हैं उस दिन आपका कॉलेज स्कूल कोई काम नहीं करता, तो उस दिन आप बैठिए, टाइमर लगाइए और एक फुल लेंथ का मॉक टेस्ट दीजिए। फुल लेंथ का मॉक टेस्ट देने से ये होगा कि अगर जैसे आपने स्टार्टिंग के यूनिट पढ़ना शुरू किया तो एटलीस्ट जो पुराने यूनिट से जो आपने कभी भी पहले पढ़ा होगा वो भी आपका रिविजन होगा, और पेपर वन भी आपके कुछ कुछ टॉपिक्स यहाँ पे कंप्लीट होते जाएंगे। तो फुल लेंथ को सॉल्व करना है, 2 घंटे का टाइमर लगाना है, क्योंकि आपको एक 150 क्वेश्चन 2 घंटे में सॉल्व करना है। ऑल दो एग्जामिनेशन में आपके पास 180 मिनट्स होते हैं, बट घर पे 2 घंटे में सॉल्व होगा तो ही एग्जामिनेशन में आपके 3 घंटे में सॉल्व होगा। और सॉल्व करने के बाद किसी भी बच्चे को या आपके जो भी बिहाफ हैं आप उनको दे दीजिए कि वो आपका चेक करें कि आउट ऑफ 150 आपका कितना सही हो रहा है, ठीक है। तो ये स्कोर आपका 100 तक जाना चाहिए जब आप इनिशियली भी इसको सॉल्व कर रहे हैं, 100 तक खींच के लाइए अपने मार्क्स को। और जो क्वेश्चन नहीं बन पा रहा है, क्यों नहीं बन पा रहा है, उसको जरूर एनालाइज करिए, बिकॉज आप कितना पढ़ेंगे उससे एग्जामिनेशन क्रैक नहीं होगा, आप कितना पढ़ के उसमें से कितना अटेम्प्ट कर पा रहे हैं वो एक तरीका है एग्जामिनेशन को क्रैक करने का। आप अगर ये बोल रहे हैं कि मैंने सिर्फ 8 यूनिट पढ़ा है, तो 8 यूनिट में अगर इसे 10-10 क्वेश्चन भी आता है आउट ऑफ 80, आपको पास होने के लिए सिर्फ 60 मार्क्स चाहिए पेपर 2 में, और अगर आप इधर से 30 मार्क्स पे ले आते हैं इन योर पेपर 1 देन 90 इज द हाईएस्ट कट ऑफ फॉर द जनरल कैटेगरी, तो डेफिनेटली यू विल क्रैक द एग्जामिनेशन। तो इस वीडियो में इतना ही। बहुत लोगों का रिक्वेस्ट आ रहा था कि मैम 45 डेज का स्टडी प्लान बताइए, तो ये मैंने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पे रखे हैं, तो आप अगर इन टॉपिक को भी प्रिपेयर करके जाते हैं तो दैट इज वेल वेल मोर देन एनफ। एंड यस, इसमें जो आप अगर कोई स्टूडेंट है जिसको कि यहाँ पे जैसे कुछ हेल्प चाहिए या जैसा भी चाहिए, तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में लिखे या मेरे नंबर पे आप कॉल करके मुझसे पूछ सकते हैं। इस यूट्यूब चैनल पे अगर आप जाएंगे, इस YouTube चैनल पे ऑलरेडी मैंने यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के वीडियोस अपलोड किए हैं और दो इम्पोर्टेंट वीडियो हैं मैराथन प्लेलिस्ट, तो आप इस प्लेलिस्ट को जब चेक करेंगे इसमें जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स मैंने वहाँ रखे हैं इसके वीडियोस आपको मिल जाएंगे, जो एक टॉपिक में पूरा पूरा एक यूनिट कवर है, तो इसको जरूर वॉच करिए। सिमिलरली सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, आपका थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन, कंपाइलर डिजाइन, ये सारे प्लेलिस्ट कंप्लीट हैं। तो अगर आपने बिल्कुल भी स्टडीज शुरू नहीं किया तो आप इन वीडियोस को भी क्विक बेसिस पे देख सकते हैं, स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं और अपने एग्जामिनेशन को, प्रिपरेशन को और ऊंचे लेवल तक लेके जा सकते हैं। आज ये वीडियो में इतना ही रखेंगे। नेट एग्जामिनेशन से या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट होता है, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, और अगर आपको ऐसा लगता है कि इस स्टडी प्लान में आपको और भी हमसे कोई हेल्प चाहिए देन ऑल्सो यू कैन ड्रॉप इन द कमेंट सेक्शन। इन दिस वीडियो
this much only. Stay tuned for the next upcoming video. Thank you so much.